हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे किस तरीके से हम क्लोज टेस्ट को सभी बैंकिंग एग्जाम्स में और सभी एसएससी एग्जाम्स में एक्यूरेसी के साथ जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखें। यदि आप एसएससी सीजीएल के सीरियस एस्पिरेंट हैं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इंग्लिश और जीके के लिए हमारा टारगेट बैच अभी चल रहा है और इसको 30 जुलाई से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए, इस तरीके का ही क्लोज टेस्ट आपको सीजीएल 2018 में आपको देखने को मिलेगा और बैंकिंग की तरह सीजीएल में जो क्लोज टेस्ट आते हैं ज़्यादा लेंदी नहीं होते लेकिन निश्चित रूप से ट्रिकी ज़रूर होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना है। बुक्स इंट्रोड्यूस टू अस द बेस्ट, दे ब्रिंग अस द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट दैट हैव एवर लिव्ड। तो एक रफ आइडिया लग रहा है इस क्लोज टेस्ट को देखने से कि इसमें हमने बुक्स के बारे में बात की है और बुक्स का क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो हमने इसमें बात की है। तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट में ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। ऑप्शंस हैं सोशल, सोसाइटी, कंपनी एंड एटमॉस्फेयर। अब देखिए, बुक्स इंट्रोड्यूस टू अस द बेस्ट। अब यहाँ पर चूंकि बेस्ट एक एडजेक्टिव है और बेस्ट के एडजेक्टिव के बगल में यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए आपको नाउन। ठीक है, जैसे बेस्ट बुक, बेस्ट पेन, बेस्ट होटल, कुछ भी बेस्ट के बगल में जब जो आएगा वो आएगा नाउन। तो यहाँ पर आपको नाउन चाहिए। अब नाउन कौन सा है, सोसाइटी, कंपनी और एटमॉस्फेयर। सोशल नाउन नहीं है, सोशल एक एडजेक्टिव है। अब इन तीनों ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन हटा दिया, अब इन तीनों ऑप्शंस में से आपको एक चाहिए। तो बुक हमें किस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराती हैं, बुक्स इंट्रोड्यूस टू अस, मतलब हमें इंट्रोड्यूस कराती हैं या हमें इंट्रोडक्शन देती हैं किस चीज़ का, कंपनी का, एटमॉस्फेयर का, सोसाइटी का। देखिए, कंपनी का अर्थ होता है संगत, जैसे हम बोलते हैं गुड कंपनी, एक अच्छी संगत। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बुक इज़ ए गुड कंपनी, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात हो रही है कि किस चीज़ से हमें इंट्रोड्यूस बुक्स कराती हैं, हमें किसी कंपनी से वो इंट्रोड्यूस नहीं कराती हैं। कॉन्टेक्स्ट देखिए, आपके किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए कंपनी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा। एटमॉस्फेयर कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि बुक हमें किसी एटमॉस्फेयर या किसी वातावरण से इंट्रोड्यूस नहीं कराती, बल्कि एक सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराती हैं, क्योंकि बुक्स जो लिखी जाती हैं वो अलग अलग ऑथर के द्वारा लिखी जाती हैं और वो किसी ना किसी कंट्री से, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं और उस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन उस बुक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सोसाइटी जो होगा वो सही आंसर होगा, यानी बी इसमें आपका सही आंसर होगा। बुक्स इंट्रोड्यूस टू अस द बेस्ट सोसाइटी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, दे ब्रिंग अस द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट दैट हैव एवर लिव्ड। देखिए, दैट हैव एवर लिव्ड का मतलब है जो कभी इस पृथ्वी पर रहे थे उससे हमें इंट्रोड्यूस कराती है। तो वो लोग कौन हो सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड का हम ऑप्शन देखते हैं कि सेकंड और थर्ड में क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सेकंड में है आपका बिफोर, इन, इनटू और थ्रू। तो चूंकि ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। ठीक है, और यहाँ पर एक मूवमेंट की बात हो रही है इसलिए मूवमेंट के लिए ब्रिंगस इनटू कहना सही होगा, ब्रिंगस इनटू। ठीक है, इन हम तब लगाते हैं जब उसमें वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कम इन या गेट इन। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, प्रेजेंस। ब्रिंग अस इनटू व्हाट, ब्रिंग अस इनटू द प्रेजेंस। तो इसलिए चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और मूवमेंट भी हो रहा है तो इसलिए इनटू कहना यहां पर अप्रोप्रिएट होगा। थ्रू हम लगाते हैं किसी मीडियम के लिए, किसी मीडियम से जब कोई चीज़ गुजरती है तो उसको हम बोलते हैं थ्रू, उसके लिए हम थ्रू लगाते हैं। बिफोर का अर्थ होता है पहले, इन हम तब लगाते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इन सारे पैरामीटर्स को यदि आप देखें तो यहाँ पर इनटू जो है वो एक अप्रोप्रिएट चॉइस है। दे ब्रिंग अस इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट में क्या ऑप्शंस दिए हैं, मैन, माइंड्स, इंटेलेक्ट एंड स्कॉलर्स। बुक्स हमें किस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराती हैं, महान लोगों से इंट्रोड्यूस कराती हैं। लेकिन इसमें देखिए, यदि यहाँ पर ग्रेटेस्ट दिया है तो यहाँ पर एक्चुअली मैन होना चाहिए, एम ई एन, मैन, क्योंकि बहुत सारे ग्रेटेस्ट लोगों से हमें इंट्रोड्यूस कराती हैं बुक्स।
तो इसलिए मैन कहना उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, माइंड्स हो सकता है, इंटीलेक्ट कहना सही होगा। देखिए इंटीलेक्ट कहना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं दैट हैव एवर लिव्ड। ठीक है, क्या इंटीलेक्ट रहा है इस पृथ्वी पर? ठीक है, तो इंटीलेक्ट कहना सही नहीं होगा इसमें, या तो हम माइंड्स भर सकते हैं या हम स्कॉलर्स भर सकते हैं। स्कॉलर्स हम नॉर्मली यूज करते हैं हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने किसी बुक को लिखा है वो जरूरी नहीं है हाईली क्वालिफाइड हो, लेकिन ये जरूरी है कि उसका माइंड बहुत अच्छा होगा, तभी तो वो अपनी कोई चीज़ को शेयर कर रहा है दूसरे लोगों के साथ। तो यहाँ पर लॉजिकली यदि देखें तो माइंड आपका एक सही चॉइस बन रहा है, द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटेस्ट माइंड्स दैट हैव एवर लिव्ड। ठीक है, वी हियर व्हाट दे सेड एंड डिड, हम उनके बारे में सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और क्या करा। वी सी देम एज इफ दे वर अलाइव, हम उनको ऐसे देखते हैं जैसे कि वो अभी भी जीवित हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं फोर्थ में, एक्चुअली रियली डिसाइडेडली और इंडीड। देखिए यहां पर चूंकि एक एडजेक्टिव दिया है अलाइव, तो यहां पर आपको एक एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब यदि आप ऊपर से देखें तो डिसाइडेडली तो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि डिसाइडेडली का मतलब होता है कि निर्णयात्मक रूप से। ठीक है, इंडीड एक्चुअली सेंटेंस के एंड में हम लगाते हैं, तो इंडीड कहना सही नहीं होगा यहाँ पर, एक्चुअली और रियली में से एक चॉइस आपको भरनी है। एक्चुअली हम तब लगाते हैं जब हमने पहले कोई बात बोली है और बाद में उस बात को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं। पहले आपने कुछ बोला जैसे आई वॉज ए टीचर इन द स्कूल, और बाद में आप बोलते हैं कि आई वॉज द साइंस टीचर एक्चुअली। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में आपने बोला कि टीचर था मैं, सेकेंड सेंटेंस में आपने बोला कि वास्तव में मैं साइंस टीचर था, मतलब अपनी बात को आपने मॉडिफाई किया या रेक्टिफाई किया, तो उस सेंस में एक्चुअली कहना सही रहता है। लेकिन यदि आप ट्रू सेंस में यूज कर रहे हैं तो रियली कहना सही होगा। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा रियली। वी सी देम एज इफ दे वर रियली अलाइव, वी शेयर देयर, हम उन लोगों के क्या चीज को शेयर करते हैं, किताबों में वो लोग अपने क्या लिखते हैं, वो लोग अपने थॉट्स लिखते हैं। ठीक है, आइडियाज़ भी लिखते हैं लेकिन आइडियाज़ को अल्टीमेटली शेयर करते हैं बुक्स के थ्रू। ठीक है, फीलिंग्स भी हो सकती हैं लेकिन मेनली वो थॉट्स होते हैं, उनके विचार होते हैं। फीलिंग्स हम थोड़ा फिजिकल सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी हालांकि हो सकता है लेकिन उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑब्जर्वेशन भी होते हैं लेकिन वो थॉट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आइडियाज़ तो एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, आइडिया एक थोड़ा सा रफ तरीके से भी एक माइंड में हो सकता है, लेकिन थॉट एकदम कॉन्क्रीट होते हैं और थॉट्स को ही बुक पर लिखा जाता है। तो इसलिए थॉट कहना यहाँ पर सही होगा, वी शेयर देयर थॉट्स। ठीक है, आगे क्या है, वी सिंपैथाइज विद देम इन द सीन। देखिए यहाँ पर आपको दो फिलर भरने हैं और यहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए वो सिंपैथी का इक्विवेलेंट वर्ड आना चाहिए, क्योंकि पहले हमने बोला है वी सिंपैथाइज विद देम, और आगे वाले सेंटेंस में हमें भरना है वी एंजॉय विद देम, मतलब कुछ इस तरह का वर्ड भरना है जो सिंपैथाइज के इक्विवेलेंट हो। और सिंपैथाइज के इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है आपका ग्रीव। ठीक है, सिंपैथाइज मतलब उनके साथ संवेदना व्यक्त करना, और ग्रीव जो होता है एक निगेटिव वर्ड है जो कि सिंपैथाइज का इक्विवेलेंट है। वी सिंपैथाइज विद देम, और ग्रीव के साथ हम विद भी लगाते हैं, एग्जल्ट और सोरो के साथ हम विद नहीं लगाते, एंजॉय के साथ भी विद लगाते हैं लेकिन एंजॉय यहाँ पर इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है। यहाँ पर सही आंसर होगा ग्रीव विद देम। इन द सीन्स विच दे डिस्क्राइब द ग्रेट एंड द गुड, द ग्रेट एंड द गुड मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, दे डू नॉट, ऑप्शन देखते हैं क्या है, डाई डिसअपियर और इक्लिप्स। द ग्रेट एंड गुड डू नॉट डाई, वो लोग मरते नहीं हैं, हम ऐसे रियल लाइफ में भी हम लोग बोलते हैं कि वो लोग मरते नहीं हैं। डिसअपियर कहना सही नहीं होगा क्योंकि डिसअपियर तो वो हो जाते हैं फिजिकली, और हम रियल लाइफ में भी बोलते हैं कि वो अभी मरे नहीं है, वो अभी भी जीवित है, हमारे आसपास हैं। तो इसलिए उस लॉजिक को यदि लगाया जाए तो डाई कहना सही होगा, ये डाई तो पूरी तरीके से इनअप्रोप्रिएट है। इक्लिप्स का मतलब होता है ओवर शेडो, तो ओवर शेडो कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत होगा। तो दे डू नॉट डाई
इवन इन दिस वर्ल्ड। और आगे के क्या ऑप्शन दिए हैं, आगे दिए हैं कैप्ट, मेंटेन्ड, प्रिजर्व्ड एंड एम्बाम। इन बुक्स, उनको उन बुक्स में रखा जाता है, मतलब उन बुक्स को देखिए, उनकी यादों को बुक्स में हम रखते नहीं हैं, हम मेंटेन नहीं करते हैं, हम प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व का अर्थ होता है किसी चीज़ को बचा के रखना, और बुक्स के थ्रू उनके थॉट्स को हम बचा के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आठ में आपका प्रिजर्व्ड कहना सही होगा। एम्बाम का अर्थ होता है जैसे जैसे हम जो ममीज़ होती हैं मिस्र में, जो ममीज़ होती हैं, किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए भी हमें एम्बाम बोलते हैं, लेकिन एम्बाम थोड़ा सा फिजिकल सेंस में यूज़ होता है। प्रिजर्व यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड है। मेंटेन्ड, हम मेंटेन तो हम मशीन को भी कर सकते हैं, मेंटेन्ड कहना सही नहीं होगा। कैप्ट का मतलब होता है रखना, लेकिन हम उनको बचा के रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रिजर्व कहना एकदम सही होगा। प्रिजर्व इन बुक्स देयर स्पिरिट्स, मतलब उनकी जो आत्माएँ होती हैं महान लोगों की, देयर स्पिरिट्स वॉक। अब वॉक के साथ क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पर, वॉक अराउंड मतलब आसपास घूमना, वॉक अवे मतलब दूर घूमना, वॉक अबाउट, वॉक अब्रॉड। देखिए वॉक अब्रॉड एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कि किसी भी लिमिट में नहीं होना, मतलब ऐसे इस तरीके से घूमना कि आपके लिए कोई सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। वॉक अब्रॉड का अर्थ होता है कि कोई आपकी कन्फाइनमेंट नहीं है, कोई आपके लिए कोई लिमिट्स नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो और वही हम इसमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो आत्माएं होती हैं वो पूरे संसार में बिना किसी लिमिट्स के घूमती हैं, तो इसलिए यहाँ पर वॉक अब्रॉड कहना अप्रोप्रिएट चॉइस यहाँ पर होगी। ठीक है, द बुक इज ए लिविंग, बुक क्या है, लिविंग साउंड है, एको है या वर्ड है। एको तो एक्चुअली प्रतिध्वनि होता है, साउंड हम किसी भी मैकेनिकल आवाज को बोल सकते हैं, एको प्रतिध्वनि होता है। ठीक है, लेकिन प्रतिध्वनि तो हम तब यूज करेंगे ना जब वो पहले साउंड करेंगे और उनकी जो साउंड है वो टकरा के फिर हमारे पास वापस आएगी, तो एको कहना उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। वॉइस हम कह सकते हैं यहाँ पर, वर्ड भी इनअप्रोप्रिएट है। द बुक इज ए लिविंग वॉइस। ठीक है, द बुक इज ए लिविंग वॉइस, क्योंकि उनकी आवाज उसमें है या उनकी उनके थॉट्स उसमें हैं, तो आप यहाँ पर वॉइस कह सकते हैं। साउंड, एको और वर्ड यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट चॉइसेस होंगी। इट इज एन, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, इट इज एन एनिग्मा पहेली होता है, इंटेलेक्ट बुद्धिमत्ता होता है, ऑरा एक माहौल होता है, रिकॉर्ड। इट इज एन मतलब यहाँ पर आपको एक नाउन चाहिए, इट इज एन। नाउन कौन कौन सी हैं, ऑरा भी नाउन है, एनिग्मा भी नाउन है, इंटेलेक्ट भी नाउन है, रिकॉर्ड नाउन नहीं है। तो यहाँ पर ऑरा, इट इज एन ऑरा टू विच वन स्टिल लिसंस, मतलब एक ऐसी चीज है, ये एक बुक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अभी भी सुनते हैं। ठीक है, एनिग्मा एक पहेली होती है, तो पहेली वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। ऑरा एक वातावरण होता है, एक माहौल होता है। ठीक है, इंटेलेक्ट कहना सही होगा, क्योंकि बुक्स के थ्रू एक व्यक्ति का इंटेलेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ऑरा हम फिजिकल सेंस में यूज करते हैं, एक माहौल या एक वातावरण जो होता है उसको हम ऑरा कहते हैं, इसलिए इंटेलेक्ट कहना यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट को आपको, क्लोज टेस्ट के जो आंसर्स होते हैं उनके आंसर्स को आपको जस्टिफाई करना है, और आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि ये आंसर इसका नहीं होगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ उसका आंसर यही होगा, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। एंड यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई योर आंसर्स। अगर ऐसा आपके अंदर हो जाता है प्रैक्टिस के थ्रू, तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी क्लोज टेस्ट को आसानी से कर सकते हैं, CGL में, प्री और मेंस में भी, और बैंकिंग एग्जाम्स में भी। तो कैसा लगा आपका ये क्लोज टेस्ट, इसके रिगार्डिंग यदि आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, और यहाँ पर मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबाएँ, तभी आपको इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलेंगे। तो इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।